नमस्ते दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फ्रेंड दुनिया में गाइस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इटाली वर्सेस चेक रिपब्लिक के बीच जो खेला जाएगा यूरोपियन क्रिकेट चैंपियनशिप ग्रुप सी का फर्स्ट एलिमिनेटर अब देखो यहाँ पे ना दोनों टीम अपना बेस्ट देने का ट्राई करेगा और बेस्ट दे ना बढ़िया एक प्लेइंग लेवल भी उतरने वाला है तो आपको प्रिडिक्ट करना है आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि जो बैटिंग ऑर्डर यहाँ पे कोई ना वो चेंजेस और रोटेशन नहीं होगा यहाँ पे एकदम डिफॉल्ट बैटिंग ऑर्डर मेरे हिसाब से जो आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा साथ ही साथ कौन से प्लेयर्स कौन सी टीम थोड़े ज्यादा बेटर खेल के आ रहे हैं खास करके अगर मोमेंटम देखोगे ना आई थिंक इटाली के पास शिफ्ट हो चुका है जो स्टार्टिंग में चेक रिपब्लिक के साथ था मैं वीडियो में इनडेप दोनों ही टीम के बारे में एनालिसिस करूंगा प्लेयर्स पोजिशन क्या कुछ रोटेशन हो सकता है कौन कहाँ पर खेलेंगे दोनों ही टीम का फिर कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस मेक श्योर करना ये रिव्यू क्विक सा वीडियो अंत तक देखो पसंद आए तो लाइक अगर चैनल में न्यू हो तो सबसे पहले ना मेरे हिसाब से आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ना टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन हो जाना अब क्यों ज्वाइन हो गए रीजन आपको हांगकांग टी20 टी ट्वेंटी का कवरेज मिला था मेन्स ओमेंस दोनों का ईसीसी का कंप्लीट और डिटेल्स एनालिसिस वीडियोस मिले ऑलमोस्ट हर मैच का और आई का कवरेज केवल आपको टेलीग्राम पे फिलहाल मिल रहा है तो इतने सारे मैचेस खास करके ऐसे मैचेस जिनके स्टैट्स अवेलेबल शायद ही कम हो ऐसे मैचेस का डिप्थ एनालिसिस वाला वीडियो आपको इस चैनल में मिलेगा तो इसलिए सब्सक्राइब करते हुए टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड करके रखूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्लू कलर का लिंक होगा एंड कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट सेक्शन में भी पीड क्या हुआ लिंक मिलेगा ठीक है लिंक से आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो और जिन भाई का लिंक काम नहीं करेगा ना वो भाई सिंपली टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लेना ऐट द रेट टीम एफ डी एफ टीम फैनडेसी दुनिया फैमिली ठीक है ज्वाइन हो जाना फैंटेसी दुनिया फैमिली मेम्बर्स के साथ टेलीग्राम पे जहाँ पे आपको आफ्टर टॉस अपडेट दिया जाएगा दम तो एनालिसिस में लाइक करके स्टार्ट रखना वेन्यू कहाँ पे होगा सभी मैं सेम ग्राउंड कट्टा माई स्पेन में सबको मालूम है हाँ मालूम है सौ यहाँ पे एवरेज स्कोर रहता है हमेशा अब सौ यहाँ पे एवरेज स्कोर रहता है बट इससे ज़्यादा भी बन सकता है बट अगर देखोगे दोनों टीम तो गिना चुना प्लेयर है दो से तीन इनके पास भी दो है मेरे हिसाब से और इनके पास तीन है जो खेलता है तो सौ के ऊपर बनाएगा अदरवाइज नहीं बनाएगा इम्पोर्टेंट है बाद में आता हूँ क्लियर वेदर रहेगा तो पूरा मैच पूरा अपडेट आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम पर आ जाएगा अब समझो बात चेक रिपब्लिक से अगर मैं बताऊँ इनसे डवीजी कुछ मैच में नीचे खेला है बट ये आपको टू मैं आपको दे रहा हूँ लिख के कि यह बंदा ओपनिंग ही करेगा और हाँ ये कप्स ज़्यादा अच्छा खेलता है मतलब ये जब इनका विकेट्स देखोगे ना कलम में तो ये मैक्सिमम टाइम देखना जाके रिव्यू कर लो वो है बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट करेगा भयंकर वाला अच्छा पिक है मैं ड्रॉप करने को कभी भी नहीं बोलूंगा बट बॉलिंग फर्स्ट करेगा तो कतई ड्रॉप मत करो खास करके वाइस कैप्टन यूज कर सकते हो बॉलिंग फर्स्ट सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग भी अच्छा खासा करेगा अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहा है तो टीम में रख सकते हो वाइस कैप्टन ना भी बना सकते हो हो गया बात अशोकन अशोकन देखो अब ये ना दो इनिंग्स इनका अच्छा था बट मेरे मेरा मन का मानो तो एक ऐसा प्लेयर है जो आपको कंसिस्टेंटली स्कोर करते हुए दिखेगा बहुत बड़ा नहीं बहुत हाई रेट से नहीं बट स्कोर करते हुए दिखेगा सुदेश विक्रमा से अगर इस टीम को बड़ा स्कोर करना है ना तो इनको चलना पड़ेगा द बेस्ट बोला जाता है इनको इनका टी ट्वेंटी आई में इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी था बहुत ही अच्छा बैट्समैन है डिसेंट बॉलर है बट एक विकेट टेकर नहीं है पहला मैच अगर आप हटा देते हो ना तो इनका एक विकेट है जीरो एक जीरो एक जीरो जीरो तो भयंकर विकेट टेकर नहीं है बट बहुत अच्छा प्लेयर है टीम में शहर पीक है रखना ही पड़ेगा दोनों सिचुएशन में बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकेंड शरण रमाकृष्णन आप आराम से रोटेशन कर सकते हो चाहो तो रख सकते हो दस बारह रन करते हुए दिखेगा बट बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं छोड़ देना छोड़ देना अब आकाश को लेना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर कैच पकड़ेगा तो ही लेना मतलब कहाँ पे बैटिंग फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट ही लेना मतलब इनका अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है आकाश मरमार का और अपोजिट टीम का बैटिंग फर्स्ट होता है उस सिनेरियो में लेना क्योंकि ये तब ना लॉन्ग वन में खड़े होते हैं और बहुत अच्छा कैच पकड़ता है मतलब सबसे अच्छा फील्डर में से एक है ईसीसी यूरोपियन क्रिकेट में सत्यजीत अच्छा बॉलिंग कर रहा है और ये एक मात्र प्लेयर है जो कंसिस्टेंटली आपको विकेट लेते हुए दिखेगा इस टीम में जिसके कारण टीम अच्छा खेला और बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंटली विकेट टेकर है दो मैच हटा दो तो ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट है मेरी टीम का मस्ट पिक बॉलिंग सेक्शन में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है तो बिंदास ले लेना देखो बहुत डिसेंस सा मैचेस होता है तो इसमें ना बहुत ज़्यादा रोटेशन और भयंकर वाला कुछ मत करो एक डिसेंट टीम बनाओ कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करो मैं बता दूंगा और एक बढ़िया रैंक लेके आओ ऐसा मेरा मानना है ये कुछ है जो खेल लेंगे तो नहीं मुझे लग रहे ज़्यादा कुछ करेंगे भी नहीं अब यहाँ से कुशल मंडन आपको खेलेगा तो डेथ में कराते हुए दिख सकता है और बाकी को मैं ज़्यादा आपको प्रेफर नहीं करूँगा आप चाहो तो रख सकते हो चाहो तो रोटेट आराम से कर लेना अब देखो ओपनिंग बॉलर इनसे ना डविजी करता था अब इनको हटा दो अब ये करता नहीं है सत्यजीत करते हुए दिखेगा पहला दूसरा विक्रमसी करा तीसरा सत्यजीत बात खत्म बॉलिंग फर्स्ट हुआ मतलब जहाँ पे डेथ आता है वहाँ पे आपको डेविजी डेथ करते हुए दिख सकता है सत्यजीत को हटा दो ये दोनों ओवर शुरू में कर रहा है विक्रमसी करा डेथ करते हुए दिख सकता है इस टीम के पास ना मेरे हिसाब से जो प्योर डेथ बॉलर है ना वो एबसेंट है जिसके कारण इनका डेथ में पिटाई भी होता है याद रखना इटाली से मैं अगर बताऊँ ना इनका बैटिंग देखो कि कैसे करके धीरे धीरे सुधरा देखो चार नौ नौ छः अठारह चौदह ये कंसिस्टेंटली ऊपर गया है एक छोरो कंसिस्टेंटली ऊपर गिर है निसा हमीत का फॉर्म अच्छा बात है शरीफी देखो चौबीस पंद्रह सत्रह दस ग्यारह इक्कीस सोलह पैंतालीस ये ऑलमोस्ट हर मैच में रन है सबसे बड़ा बात है ना लास्ट में छोड़ दो ये मजाक था अब यहाँ पे दो ओवर जरूर डालेगा बंदा और एक ओवर डेथ में डालेगा बॉलिंग फर्स्ट हुआ तीन एक एक तीन दो एक चार मेरी टीम का ना जहर कैप्टन वाइस कैप्टन भी एंड मैं तो ऑब्वियस इनको ही बनाऊंगा कैप्टन वाइस कैप्टन बाकी जो भी बनाया जाता लास्ट मैच में बंदा बॉलिंग नहीं किया भूल जाओ ये ये लास्ट मैच मजाक था अब यहाँ पे कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहा है बैटिंग से बंदा बलजीत सिंह जो जेनुइन ओपनर था फिलहाल वन डाउन खेल रहा है बॉलिंग से भी विकेट निकाल रहा है ये इनिंग्स का दूसरा ओवर डालता है ये इनिंग्स का लास्ट मतलब दस हुआ नौ से दस होता है जो ओवर ना मतलब सेकेंड लास्ट और लास्ट वाला ओवर डालता है मतलब जो होता है ना नौ खत्म हो के एक दस में जाता है और एक आठ खत्म हो के नौ के जाता है मतलब आठवां ओवर और नौवा ओवर डालता है इनिंग्स का ठीक है दोनों में से किसी एक डालेगा बलजीत सिंह एक शरीफ शरीफी जहर पी हो जाता है आपके लिए बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है अब जो जो इशू है ना देखो टॉप की थ्री तो ठीक है हसन अहमद का फॉर्म थोड़ा ऑफ है बट स्टिल मैनेजेबल है मैनेजेबल इसीलिए मैं बता रहा हूँ देखो दो इनिंग्स शुरू तो ऑलमोस्ट हर बार इन्होंने भी बैटिंग ठीक ठाक किया बहुत ख़राब नहीं किया इरफान शेख खराब फॉर्म में से जा रहे और बाकी तो हो गया अब देखो इस मैच में अगर आपको देखेगा देखो लास्ट मैच में इन्होंने तीन विकेट निकाला और इसके आगे भी एक मैच में एक विकेट निकाला देखो एक विकेट निकालने के बाद भी तीन मैच में बॉलिंग नहीं मिला अब इस मैच में कितना बॉलिंग मिलेगा बोलना मुश्किल है बट स्टिल मे भी अगर टीम पाँच ही बॉलर के साथ जाता है तो मे भी बॉलिंग कर ले और मे भी एक से ज़्यादा ओवर ना डाले क्योंकि इस मैच में अमित शरीफ बलजीत सिंह दोनों बॉलिंग डालेंगे ये ऑन रिटेन है ठीक है अहमद खान ये शायद इस मैच में बॉलिंग ना डाले और इनके जगह ये डाल सकता है और मे बी ये भी डाल जाए तो बहुत ही अच्छा फॉर्म में तो ये नहीं है बट ठीक ठाक है तो चाहो तो ले सकते हो बैटिंग फर्स्ट जरूर ले सकते हो क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना इन दोनों से किसी एक को बैटिंग फर्स्ट ले लेना क्योंकि अहमद खान मेरे हिसाब से हमाद के बाद आएगा मतलब ये जो है ना एच अहमद ठीक है इनके बाद कौन आएगा इस मैच में अहमद खान आएगा इससे पहले आय आ रहा था बट इस बार अहमद खान आएगा जो हार्ड रिटिंग कर सकता है तो बैटिंग फर्स्ट आई थिंक इनको आप रख सकते हो क्योंकि फॉर्मेशन जो है ना ड्रीम इलेवन का उसमें आपको तीन बैट्समैन लेना पड़ता है उस सिनेडियो में ठीक है बात कर रहा हूँ इमरान मेरी टीम का मस्ट पिक होगा ये बहुत ही अच्छा बॉलिंग कर रहा है बंदा लास्ट मैच खेला नहीं था प्रोबेबली रेस्ट दिया गया ये कंसिस्टेंटली देखो ये पिटाई नहीं हो रहा है इनका देखो सोलह पे एक बारह पे जीरो आठ पे एक रन नहीं खा रहा है स्टिल रन रोक रहा है इसे मेरी टीम का जहर पिक है और ये अगर शुरू में एक दो विकेट निकाला ना तो गिरेगा अशोकन का गिर सकता है डविजी का गिर सकता है तो यहाँ पे ध्यान देना जसप्रीत सिंह इन्होंने एक मैच में तीन भी विकेट निकाला था सेम टीम के अगेंस्ट मेडिन डाले थे इसी टीम के अगेंस्ट आगे वाला दिन में दो विकेट तीन विकेट अच्छा खेल रहा है एन विक बॉलिंग सेक्शन में कोई टेंशन ही नहीं है लेना ही पड़ेगा डिफॉल्ट हो जाता है जोरावर सिंह अब ये बॉलिंग नहीं कर रहा है लास्ट के कुछ मैच में बॉलिंग नहीं किया छोड़ दो सोचो ही मत रवि पॉल ये खेलेगा ना तो बॉलिंग करेगा अब देखो ये खेलेगा तो बॉलिंग कर सकता है तो इस सिनेरियो में कितने बॉलर से गिन लेना क्योंकि रवि पॉल एक हो गया दूसरा हो गया जसप्रीत तीसरा हो गया इमरान चौथा हो गया हमारा बलजीत पांचवा हो गया अमीर शरीफ अब छठा जो बॉलिंग ऑप्शन है ना वो दमित और अहमाद खान एक एक ओवर हो सकता है अगर कोई पिटाई हुआ लाइक रवि पॉल का अगर पिटाई हुआ तो मे भी इन दोनों से किसी एक को छठा एज अ सिक्स बॉलिंग ऑप्शन मिलेगा इस सीनियरियो में दोनों आपके लिए ज़्यादा शायद वाइटल पिक ना भी हो बैटिंग फर्स्ट कर रहा है तो मैं अहमद खान को ले लूँगा तो ओवरऑल घूम फिर के ना वही बात आता है कि अहमद खान थोड़े सेफ़ लग रहे हैं मुझे ओपनिंग बॉलर एम इमरान मेरे हिसाब से बलजीत सिंह ये दोनों शुरू में कराएंगे और डेथ में ए शरीफ बलजीत सिंह अहमद खान डालते थे इतना दिन बट शायद इस बार बॉलिंग ना डाले कैप्टन चॉइजेस में अमीर शरीफ मेरे हिसाब से सेफेस्ट से है आग बनकर वो ले लो और बी सिंह ठीक ठाक है और एक प्लेयर है जो अगर चल गया तो वह सबको मतलब ख़त्म ही कर देगा वह एस्ट्राइज ये एक अच्छा प्लेयर है ट्राई कर सकते हो फिलहाल डब्यी का फॉर्म ऑफ है अगर ट्राई करना ही है मन है तो बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट ट्राई करना बैटिंग फर्स्ट मत ट्राई करना फिलहाल ये रहा मेरा टीम फाइनल अपडेट मैं आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे दे दूंगा बलजीत वाइस कैप्टन कैप्टन अमीर शरीफ डब्यी अशोकन रॉय खान डी कोसाला ए नामेद अब कोसाला की जगह ना शरण को भी ले सकते हो आराम से ले सकते हो शरण के पास सोचा ना स्पेशली अगर रवि पॉल खेलता है ना तो शरण के साथ चला जाना अजय सिंह है एम इमरान है सत्यजीत है फिलहाल रहा ये मेरा टीम फाइनल अपडेट आफ्टर टॉस टेलीग्राम पर आ जाएगा टेलीग्राम जो, ने जो ने है जो है ना वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना थैंक यू येस बाय